नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में तीन स्टॉक आपको दिए थे। इनमें से एक था एशियन पेंट। एशियन पेंट के बारे में मैंने आपको बोला था कि अगर 3051 वो निकलता है तो उसका टारगेट मैंने आपको पहला दिया था 3072, 3095 और तीसरा टारगेट मैंने दिया था 3149। तो आप चेक कर सकोगे कि यहाँ पर उसने पूरा तीनों टारगेट अचीव कर लिया फ्रेंड्स, क्योंकि उसने अगले दिन डोजी कैंडल बनाई थी और डोजी कैंडल का मतलब होता है बुलिश कैंडल। और डोजी के कैंडल के मैंने आपको ये भी बोला था कि डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो ये तीनों टारगेट अचीव हो जाएगा। और आप चेक कर सकोगे यहाँ पे कि उसने तीनों टारगेट अचीव कर लिया है फ्रेंड्स। अगर किसी ने लिया होगा तो उसका प्रॉफिट मिल गया होगा। दूसरा स्टॉक मैंने लिया था आपको हैवल्स। हैवल्स में आपको बोला था कि 1140 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 1165 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 1184। आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने हाई मारा है 1177, यानी एटलीस्ट सेकंड टारगेट के करीब आके वो नीचे आ गया। यानी पहला टारगेट भी अचीव हो गया और सेकंड टारगेट अचीव करने में सिर्फ 4 से 7 पॉइंट बाकी रह गया। तो हम मान सकते ये भी हमारा तरह सक्सेस हुआ। अगर आपने लिया होगा तो इसमें भी आपको प्रॉफिट मिला होगा। और अगर लेके अभी पड़ा है तो आप अगर गुरुवार के लो को ब्रेक करेगा डाउन के साइड में तो आप उससे बाहर निकल सकते हो। तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था अंबुजा सीमेंट के बारे में मैंने बोला था आपको कि 311 के ऊपर निकलेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 315, दूसरा टारगेट आ सकता था 322 और तीसरा टारगेट मैंने दिया था 330। अगर आप चेक करोगे तो उसका ओपनिंग ही हुआ था 314, यानी 315 के करीब ओपनिंग हुआ था और वहाँ से नीचे आ गया। अगर सोमवार को ये आज के लो को यानी गुरुवार के लो को ब्रेक करेगा डाउन की साइड में 305 के नीचे तो आप इसमें से एग्जिट हो सकते हो। आइए देखते हैं, अब सोमवार को मैं आपके लिए नया चार स्टॉक लेकर आया हूँ तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इनमें से पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखोगे टाटा कंज्यूमर अपने रजिस्ट्रेशन के पास आ गया है। अगर ये सोमवार को 775 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में 782 और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में 789। ओके, ये रहा टाटा कंज्यूमर्स। दूसरा स्टॉक मैंने निकाला है अडानी एंटरप्राइज भी फ्रेंड्स 1824 के ऊपर निकलेगा। ये पूरा बुलिश कैंडल बना है और अगर 1824 को ब्रेक करेगा सोमवार तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 1840, दूसरा टारगेट आ सकता है 1850 और तीसरा टारगेट आ सकता है 1865। मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ, ओके, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। 1840 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आएगा 1849, तीसरा टारगेट आ सकता है उसका 1864। सेम टाटा कंज्यूमर भी ले लेते हैं हम फ्रेंड्स। प्राइस एक्शन, प्राइस लेवल रहेगा 775 को ब्रेक करना पड़ेगा उसको। 775 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा अपसाइड में 782, दूसरा टारगेट आएगा उसका अपसाइड में 789 और तीसरा स्टॉक निकाला है मैंने UBL। फ्रेंड्स, UBL में आप चेक कर सकोगे यहाँ पे UBL ने भी डोजी कैंडल बनाई है और डोजी कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, लेकिन वो बुलिश कब काम करेगी जब उसके हाई को ब्रेक करेगा तब। और मैंने यहाँ पे मार्क किया है अगर 1500 को ब्रेक करेगा सोमवार को, ये रहा हमारा 1500 लेवल। ओके, उसको राउंड फिगर कर लेता हूँ मैं। 1500 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट अपसाइड मार सकता है फ्रेंड्स 1500 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 1599 और दूसरा टारगेट आएगा अपसाइड में उसका 1525 और तीसरा टारगेट भी आ सकता है उसका 1549। पहला फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट अचीव तो हो ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। और तीसरा टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ा एक दो दिन और ज़्यादा भी लग सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह उस पर ज़रूर लें। और अगर हो सके तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और लाइक भी करते रहिएगा। जितने लाइक आप दोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियो बनाने के लिए।
और अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। चौथा स्टॉक है फ्रेंड्स ग्रासिम। ग्रासिम में आप देखोगे तो उसने बनाई है 2G नेगेटिव कैंडल है ये, ओके डाउन साइड में बनाया है ये नेगेटिव कैंडल है। तो नेगेटिव कैंडल है तो हम क्या करना पड़ेगा, ग्रासिम इंडस्ट्री में करेंगे हम 1610 ब्रेक करेगा, 1610 ब्रेक करेगा डाउन की साइड में, 1610 ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का पहला लेवल आ सकता है उसका 1598 और सेकंड टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है 1580 यानी 79 समझ लो। फ्रेंड्स ये पूरे मैंने निकाला है 4 स्टॉक आपके लिए स्पेशल नेक्स्ट वीक के लिए, ओके। अगर किसी को स्टॉक नहीं लेना है तो स्टॉक का भी आप ऑप्शन ले सकते हो, जैसे कि एस एम पी इनमें मैंने जो लेवल दिया था कि एस एम पी में 3051 मैंने जो बोला था, अगर वहाँ पे अगले दिन आपने कॉल ले लिया होता ऑप्शन का तो इसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट हुआ होगा, ओके। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।